नमस्कार, मैं हूँ सोनिया जयसवाल। आप देख रहे हैं एचएमन्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। नई दिल्ली से खबर आई है कि अब महिलाएं भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला हासिल कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भारत के सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन के लिए महिलाएं भी एनडीए में भर्ती होंगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय सेना को नीति के चलते फटकार लगाई थी और मामले की समीक्षा करने के आदेश दिए थे। साथ ही अदालत ने इस वर्ष होने वाली परीक्षा में महिलाओं को बैठने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बलों में लैंगिक समानताओं के लिए और काम करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वे अदालत के हस्तक्षेप का इंतजार करने के बजाय वे खुद की लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें मांग की गई है कि महिलाओं को भी एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में जगह मिलनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि इस साल होने वाली एनडीए की परीक्षा में छात्राओं को भी शामिल होने दिया जाए। उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, इस पर कोर्ट में बाद में फैसला देगा। सरकार अब तक महिलाओं के एनडीए में जाने का विरोध कर रही थी। सरकार का कहना था कि महिलाओं को सेना में यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं द्वारा चयनित किया जाता है, इसलिए फिलहाल एनडीए का रास्ता खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की सुनवाई में केंद्र सरकार के वकील ऐश्वर्य भाटी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को ये फैसला लिया है कि महिलाओं को एनडीए में एंट्री दी जाएगी। ये फैसला सेना के तीनों धड़ों से चर्चा करने के बाद लिया गया है। सरकार के नई नीति के मुताबिक अब एनडीए और नेशनल लेवल एकेडमी में महिला कैडेट भी चयनित की जाएंगी, लेकिन अभी इसकी पूरी रूपरेखा नहीं बनाई गई है। इसके लिए थोड़ा समय की जरूरत है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदलाव को वक्त की जरूरत होती है, लेकिन सरकार को बताना होगा कि कितना वक्त। कोर्ट ने सरकार को निर्देश किया कि 20 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर टाइमलाइन के साथ बताए कि महिलाओं की एनडीए में एंट्री को कैसे और कब तक लागू किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये काम सरकार पहले ही खुद कर लेती तो अदालत को आदेश नहीं देना पड़ता। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक इस साल एनडीए की परीक्षा में महिलाएं भी शामिल होंगी। ये परीक्षा 14 नवंबर को होगी। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह के खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।